बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पिज़्ज़ा तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, तो आज मैं बनाने लगी हूँ मिनी पिज़्ज़ा। मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो मैं पहले बड़े पिज़्ज़े में यूज़ कर चुकी हूँ। ये यहाँ से केज़ा मिलता है जो कि बिल्कुल कश किया होता है, चीज़ जो है, और ये वाली है इसको मैंने खुद कश किया है, और ये अनियन है जो कि मैंने काट कर रखे हुए हैं। साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें भी रखी हैं क्योंकि थोड़ा सा तेज़ जो है पिज़्ज़ा वो ही अच्छा लगता है। और ये बच्चों के लिए मैंने माइंस मंगवा कर रखी हुई हैं। कॉर्न, ये देखें, ये ऊपर ऐड करूँगी। और ये मैंने जो है टमाटरों का केचप वो बना कर रखा हुआ है, इसमें मैंने नमक 1 टेबल स्पून ऐड किया है, और जो मैंने है काली मिर्च वो भी मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड की है, और इसके अलावा जो मैंने इसमें ऐड किया है वो है नींबू का रस तकरीबन 3 से 4 चम्मच, और इसके अलावा जो मैं इसमें ऐड करूंगी वो है चिकन जो कि मैंने पहले से ही ये देखिए फ्राई करके रखा हुआ है। तो इसको हम रखते हैं साइड पर, और जो डो है वो मैंने तकरीबन ओवर टू नाइट उसको मैंने बना कर रखी हुई है जो कि पिज़्ज़ा जिसके साथ बनता है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे हम यहाँ से चीज़ें साइड पर करेंगे, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। पहले तो हम इसको जो है कैंची के साथ काट लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है मिनी पिज़्ज़ा उसकी रोटी वो बनाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको काटेंगे, फिर उसके बाद फिर हम इसके ऊपर तमाम चीज़ें वो भी ऐड करेंगे। ये मैंने जो केज़ा है उसके ऊपर से ये काट कर इसको भी हम साइड पर रखते हैं। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है, तो अब हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले सबसे हम जो है वो मैदे का डस्ट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं जो ओवर टू नाइट मैंने जो डो बना कर रखी थी तो वो बनाएंगे। ये पिज़्ज़े की डो है, इसको हम बना लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से इसको बनाकर अभी इसकी मैं रोटी बेल लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, बेलने की मदद से मैंने इसको रोटी को बेल लिया है, तो अब हम इसको एक गिलास की मदद से दरमियान से इसका गोल सा पिज़्ज़ा छोटा सा वो बना लेंगे। ये देखें ऐसे, और इसी तरह से मैं ये सारे पिज़्ज़े जितने बनेंगे वो बना लूँगी। और इसमें से मैंने जो बनाए हैं वो है 3, तो ये हम साइडों से उतार देते हैं।
तमाम पिज़्ज़ा जो है मिनी पिज़्ज़ा उसके अंदर इसी तरह से हम सुराख करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुराख मैंने इसके सारे अंदर कर दिया है, तो अब हम इसके ऊपर जो है केचप वो लगाएंगे। इस ब्रश की मदद से हम जो है वो सारे पिज़्ज़ों पर लगा देंगे। तो व्यूअर्स, इसके ऊपर मैंने जो है टमाटर का पेस्ट लगा दिया है, तो अब हम इसमें इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे केजा जो मैंने कश किया हुआ है, और उसके बाद जो है जो कश किया हुआ मिल जाता है मार्केट से तो वो लगाएंगे सबसे एंड में। जी तो व्यूवर्स, कश किया हुआ जो पिज़्ज़ा वो सॉरी केज़ा है वो मैंने लगा दिया है, तो अब हम इसके ऊपर माइंस वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, माइंस मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, तो अब हम जो है इसके ऊपर डालेंगे अनियन।